हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बैठी हूँ, सुबह का टाइम हो रहा है और मैं नहा ली हूँ और मैं किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। बच्चे अभी सो रहे हैं, कोई उठ गया कोई सो रहा है, और मैं नहा के अपना झाड़ू वाड़ू लगा ली है। सुबह का 9 बज गया होगा, आज उठे नहीं है। लाइट बहुत दिक्कत कर रही है इनके, और देखो मेरी आँखों में ना सूजन सी हो रही है, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है यहाँ आके। मैंने आटा लगा लिया है, आटा पिट्ठी भी तैयार कर ली है, आलू के पराठे बनाऊंगी मैं। बच्चों को जगा देती हूँ पहले। ना दीदी के किचन में खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये आटा ना परांठ में था, लेकिन यहाँ जगह ही नहीं बन रही थी कि कैसे बनाऊँ कैसे नहीं बनाऊँ। फिर मैंने इसको ना एक कटोरे में निकाला था, तब जाके थोड़ा सा रास्ता मिला था कि कहाँ बेलूँ कहाँ क्या करूँ। बहुत छोटी सी किचन है दीदी की, तो ये देखिए मेरे पराँठे भी बन रहे हैं आलू के, और आलू के पराँठे ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और देखो बहुत ही अच्छे बनाए थे मैंने, खूब चटपटे से बनाए थे। व्रत में ना मीठा खा खा के उस दिन हलवा खाया था, बहुत मन वैसा हो रहा था। देखिए चाय भी मेरी बन गई है इधर, तो मैंने सबको नाश्ता कराने के बाद ये मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। दही ले ली है थोड़ी सी और चाय, और यहाँ आके ना हम चाय भी खूब पी रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब लोग पीते हैं तो अपना भी मन कर जाता है चाय पीने का। तो चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, आ जाइए आप भी कर लीजिए। और यहाँ दीदी को जगा रही हूँ मैं, दीदी उठ ही नहीं रही थी, बहुत देर हो गई थी आज दीदी को सोते सोते। मैं बोल रही थी दीदी उठ जाओ, दवाई ववाई भी लेनी है आपको, नाश्ता कर लो, लेकिन इनको ना पता नहीं क्या हो रहा था, आज सोए सोए जा रही थी। 10:30 बज गए थे, लेकिन ये फिर भी नहीं उठ रही थी आज। आज दीदी बहुत सो रही है, उठ ही नहीं रही है। हमारा नाश्ता वास्ता सब हो गया। क्या कर रहे हो किचन में? बस बर्तन साफ करो, फिर खाने वाने का देखो। रात को तो बच्चे सोते नहीं हैं, 1 बज गया था रात भी, 1:30 बज गया था, और अभी तक सो रहे हैं पड़े हुए। बर्तन देखो कितने सारे हो रहे हैं, बर्तन साफ करूंगी। अश्विन आने जा रही है, नहाओ जल्दी। दीदी ने कन्याओं में ये वाली प्लेटें दी थी बच्चों को, 2 प्लेटें हुई है हमारे, एक गोलू की एक परी की, और एक और मिली थी परी को, एक ये वाली मिली थी। यहाँ से रख लेती हूँ कभी भूल जाऊं। सुबह का तो मैंने अपना सब काम निपटा लिया है, बस बर्तन साफ कर लूँगी और पोछा मारना है, बाकी तो सब हो गया। अब तो दोपहर का खाने का काम रह गया, खाने में देखूँगी क्या बनाऊँगी। और अभी बर्तन भी बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो बर्तन धोने के बाद दीदी उठ गई थी, ये दीदी के लिए ना मैंने मोनाका भी गाई थी, दीदी मोनाका खा लेंगी थोड़ी सी, उनको डॉक्टर ने बोला। शाम का टाइम हो गया है और मैं ना छत पर आई हूँ कपड़े धोने, धूप बहुत तेज़ हो रही है, मशीन लगा दी है, आई सांस फूल रहा है मेरा, देखो मशीन लगा दी और बहुत तेज़ धूप हो रही है। 5 बज रहे हैं शाम के, लेकिन धूप अभी भी इतनी तेज़ हो रही है कि जैसे 2 ही बज रहे होंगे। कल सोच रही थी कल धोऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो अभी निपटा देती हूँ कपड़ों का काम भी। बहुत सारे कपड़े हो रहे, 2 ही दिन में इतने सारे कपड़े हो जाते हैं यहाँ, बहुत सारे, बहुत सारे जने हैं ना, सब लोग रोज़ निकालते हैं, बच्चे भी रोज़ 2-2 बार निकाल देते हैं कभी कभी, तो एक दिन में कपड़े धो दूंगी। सांस फूल रहा है, आज मैं पूरा दिन में शाम के टाइम मिल रही हूँ आपसे। अब सुबह बनाई थी थोड़ी सी वीडियो, बस दिन में कोई ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। एक तो मुझे वो नहीं लगता क्या बनाऊँ, वीडियो में कुछ समझ नहीं आता, वही रोज़ का खाना बनाना, क्या करें अलग से कुछ। तो अब कपड़े धोऊंगी, फिर शाम का खाना बनाऊँगी, फिर देखूँगी शाम को बनाऊँगी थोड़ा बहुत ब्लॉग।
फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ना बंदर भी बहुत आते हैं, कपड़े भी नहीं सुखाने देते हैं। बंदर आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो इनकी भी वीडियो बनाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हो, ना ही तो आप गेहूँ धो सकते हो, ना ही आप कपड़े धो के छोड़ सकते हो। बंदर फाड़ देते हैं कपड़े भी, तो कपड़े मेरे सारे धुल गए हैं। ये कंबल भी था दीदी का, फिर मैंने सोचा चलो इसको भी धो देती हूँ। बहुत दिन से पड़ा था ऐसे ही सर्दियों से, तो इसको मैं धो के रख दूँगी। और इसको ना मैंने बहुत ही बहुत दिक्कत हुई है, इसको धोने में भारी हो जाता है ना पानी में, तो मैंने इसको खाट पे निचोड़ दिया है, खाट पे डाल दिया था। मैंने कहा चलो ऐसे ही पानी निकलता रहेगा। तो दो तीन बार, वैसे तो मैंने ऐसे मशीन में ही धोया था, लेकिन पानी निकालने में बहुत दिक्कत हुई थी इसको। और ये देखिए, ये दो बंदर बैठे थे, बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ शाम का टाइम है, जैसे ही मैं कपड़े धो के आई, मैं अपने खाना बनाने में लग गई थी। आज खाने में बनाई है कढ़ी और पकौड़ी बना रही है यशवी। और बच्चों को बहुत दिन से मन कर रहा था कि मम्मी कढ़ी बनाओ कढ़ी बनाओ, तो आज बच्चों की फरमाइश भी पूरी कर दी। हमारे बच्चों को ना कढ़ी बहुत पसंद है, तो इसलिए बहुत सारी बनाई है कि दो दिन तक का खाते रहेंगे। आपने देखा भी होगा, भगोना भर के बनाई है कढ़ी। और पकौड़ी ना यशवी बना रही थी, मैं उसको बोल रही थी कि रहने दो मैं बना लूँगी, लेकिन उसको ना शौक लगता है बनाने का, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं आप ही बना लो। उल्टा पलटा सही था ये, और चमचम कम, आँच कम करो, आँच कम करो, चमचम हाँ हाँ उससे कर, चम्मच से सीख जाएगी। अभी तो बेचारी बच्ची है। बेचारी क्यों कह रहे हैं मुझे? क्यों बेचारी ना कहूँ। तो यहाँ मैंने लहसुन प्याज छोंक काट लिया था कढ़ी छोंकने के लिए अपना। एक बार तो हम पहले ही छोंक देते हैं मेथी में और साबुत मिर्च में, लेकिन एक बार बाद में छोंकते हैं लहसुन प्याज में कढ़ी। ऐसे छोंकते हैं ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए छोंक भी मेरा हो गया है, मैं इसको कढ़ी में डाल दूँगी ऊपर से। हम ऐसे ही हमेशा दो बार छोंकते हैं कढ़ी को। तो बस कढ़ी मेरी बन गई है और चावल भी बन गए हैं, बस रह गई है थोड़ी सी रोटी बनानी, दो चार रोटी बनानी है। तो मैं आटा लगा दूँगी और जब कोई खाएगा बना दूँगी। और गर्मी देखो कितनी हो रही है, मेरी हालत ख़राब हो रही है पसीने से। तो देखिए मेरा खाना भी लगकर हो गया है तैयार। कढ़ी में थोड़ा सा घी डाल लिया है, चावल रोटी। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं कल एक आपसे अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।